एक कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरे कहते थे 5100 पेंशन। चार साल तक तो 5100 पेंशन मिली नहीं, लेकिन चार साल के बाद मुख्यमंत्री जी ने उस बात की जरूर पोल खोल दी। दादा गौतम की आपको बात याद होगी जब उन्होंने कहा कि एक खोपड़ एक ला सारा जीवन लग रहा है। बीजेपी और बीजेपी का सर गठबंधन है, उसमें मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि जेजेपी तो एक सहयोगी है, सहयोगी पार्टी है, बीजेपी की कोई हमने कोई बात थोड़ी ना मानी है जेजेपी की, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री जी का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो गठबंधन है, और उन्होंने पेंशन के बारे में कहा, क्योंकि जेजेपी ने जब चुनाव के नतीजे आए थे तो उन्होंने चुनाव लड़ा था मुख्य तो दो बातों पे, एक कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरे कहते थे 5100 पेंशन। नतीजे आने के बाद 10 सीट जब इनकी आई, तब कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा साहब ने 31 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 5100 पेंशन भी होगी, 75% निजी क्षेत्र के अंदर हरियाणा के युवाओं को रिजर्वेशन भी मिलेगा, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उन्होंने जेजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पहुंच के कहा कि हमारा समझौता 5100 पेंशन पे बीजेपी के साथ हो गया। अब वो जो बात कही थी, चार साल तक तो 5100 पेंशन मिली नहीं, लेकिन चार साल के बाद मुख्यमंत्री जी ने उस बात की जरूर पोल खोल दी। मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी तो क्यों गए थे? प्रदेश जानता है कि वो कोई 5100 पेंशन के लिए जेजेपी ने जाके बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, ना उन्होंने लिया। वो समर्थन तो केवल हरियाणा को भ्रष्टाचार, हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट, लूट की छूट के लिए समझौता किया गया था। आपस में महकमे बांटे गए, किसको कौन सा महकमा मिला, किसमें लोगों का क्या भला नहीं, किसमें कितनी कमाई है, इस आधार पर महकमे बांटे गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये जेजेपी के विधायक ही कह रहे। दादा गौतम की आपको बात याद होगी जब उन्होंने कहा कि एक खोपड़ एक ला सारा जीवन लग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता हुआ था कि 5100 पेंशन में नहीं हुआ था। उसी बात की पोल अभी मुख्यमंत्री जी ने खोली है। अब इस गठबंधन के लिए बने रहने का, सत्ता में बने रहने का कौन सा नैतिक अधिकार है ये बताएं? इनको कोई अब नैतिक अधिकार नहीं बचा।